तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इधर एक न्यूली स्टूडेंट काउंसिल बनी थी एक लड़की जो कि अपना स्पीच दे रही होती है और मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम है वकाना उई। हम इसे उई ही बताएंगे यानी बोलेंगे। और जब वो स्पीच ऐसा देती है कि मैं तुम्हारे लोगों की प्यार की आज़ादी करूंगी, और जब सारे जो लोग थे यानी स्टूडेंट्स थे वो लोग सोच रहे थे क्या प्यार की आज़ादी हो गई। और जब वो एक बैग से बहुत सारे को कॉन्डम के पैकेट निकाल कर फेंक देती है और वो बोलने लगती है हम सभी के लिए प्यार की आज़ादी हो सकती है बढ़िया दिमाग और शरीर के साथ क्योंकि मैं इस बार प्रेसिडेंट बने हूँ। और इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो ये सारा कुछ देख कर शॉक्ड हो चुका था कौन भला स्पीच में ये सारा कुछ पैकेट फेंकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं हम लोगों ने कभी भी ऐसा कोई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट देखा नहीं था। और तुम इसके स्पीच और इस वाले स्कूल के हालातों को देखकर ही पता लग चुका होगा कि ये कैसा स्कूल होने वाला है, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो इधर क्लास 1D का सीन था जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसके नाम हायो तो था जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बातें कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ जहाँ पर इधर वो बोल रहा होता है वो फला कैसा स्पीच था, लेकिन इधर जो उसका दोस्त था वो बोलने लगता है ये तो हमारे फला के लिए ही उसने क्या है इसमें क्या गलत है। उसका तरीका कुछ थोड़ा अलग सा था लेकिन वो तभी एक अच्छा स्पीच दिया था सारे लोग उसे पसंद करते हैं, वो ईमानदारी से काम करती है, वो कमाल है उसके पैर और उसके सारा कुछ बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही क्यूट है, बहुत सारे लड़के उसके ऊपर मरते हैं और वो ये है वकाना हुई तो समझ गए। और इधर हमारा जो हयातु था वो बताने लगता है क्या समझा। और जो उसका दोस्त था वो बोलने लगता है एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं सिर्फ उसके अच्छे मार्क्स के अलावा वो ये सर कुछ बातें समझ नहीं सकता। और वो उसे कुछ देखकर वहां से चला जाता है सच उसने अपना होमवर्क दिया था क्योंकि वो बॉडी ऊपर का स्टूडेंट था, लेकिन उसने कुछ एक और से होमवर्क दिया था जो कि हमें देखने को मिलता है एक बुक जो कि एडल्ट बुक था। और फिर भी मेरे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रूम का सीन जहाँ पर इधर हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है प्यार की आज़ादी ये वाला कैसी स्पीच थी, लेकिन इधर जो हुई थी वो बताने लगती है उसके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए जिसकी वजह से स्कूल की भलाई हो। और तभी मेरे से उसके जो दोस्त थे वो सारे लोग बोल रहे होते हैं हाँ हाँ एक का नाम किरीन और एक का नेम आयनी है। और तभी मेरी कहा इधर हाया तो बोल रहा होता है वो जो ने वहाँ पर नाटक की उसकी वजह से तुम्हारा भी इमेज खराब हो सकती है, लेकिन इधर जो बाकी हुई के दोस्त है वो समझाने लगते हैं तुम गलत हो, लेकिन इधर हुई बताने लगती है उन लोगों को कि तुम लोग रुक रुको मैं ही बताती हूँ उसको। और टीवी वो बताने लगती है कुछ लोगों ने मुझे फोट किया था मजाक के लिए, लेकिन मैं तो अपना काम सीरियसली करूंगी, मैं सबको सिखाऊंगी कि प्यार क्या है, क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो हया तो। लेकिन इधर हया तो भी बोलने लगता है ये भी ठीक ही है और वो कुछ सोच रहा था शर्माते हुए। तभी वो अपने मन के अंदर ही कुछ सोच रहा था वी के बारे में जहाँ पर इधर वो बोल रहा होता है वही बहुत ही समझदार है, वो सारा कुछ काम ही अच्छे तरीके से करती है। और टीवी में इजुमी कोई बोल रहा होता है और टीवी हमारा जो हाँ तो था वो उठ जाता है यानी कि वो सो चुका था। और जब वो देखता है प्रेसिडेंट ने उसे बुला रही थी तभी मेरी कहा इधर वो देखता है प्रेसिडेंट के कुछ और इस चीज को। और तभी मेरी कहा इधर हाँ तो बोलने लगता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए था जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया। और तभी वही बताने लगती है क्या तुम आज 8 बजे को रघु के घर में फ्री। तभी मेरी कहा इधर आया तो बताने लगता है उसका स्कूल का कुछ काम है लेकिन 10 बजे वो फ्री रहेगा। तभी मेरी कहा इधर वही कुछ सोचते हुए जाने लगी थी तभी मेरी कहा इधर वो बोलने लगते तो फिर 10 बजे ही ठीक है, लेकिन इधर हाँ तो कुछ भी समझ नहीं आया था जब वो सोचते कि वो सच उससे बातें करना चाहेगी लेकिन किस बारे में वो बातें करेगी, लेकिन इधर वो जब चाहती है तभी इधर हाँ तो सोचने लगता है उसके बोधनों के बारे में। फिर इधर हाँ के घर का सीन था जहाँ पर इधर 10:05 हो चुके थे जहाँ पर इधर कोई लोग बातें कर रहे थे यानी कि हयातो और वही एक साथ बातें कर रहे थे जहाँ पर कुछ शादी वगैरह की बातें चल रही थी, लेकिन इधर कुछ हयातो को ये पल्ले नहीं पड़ रहा था। जब इधर बोलने लगता है तुम मुझे फिर से समझाओ कि क्या क्या तुम बोल रहे हो। तभी मेरी कहा इधर जो हुई थी वो एक शादी वाला कपड़ा पहन लेती है और जब बोलने लगती है आज से हम लोगों ने शादी कर ली है और तुम मेरे पतिदेव बनने वाले हो। और इधर उसने सारे कुछ कपड़े ही लेकर आई थी अपना जब इधर हयातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बोलने लगते हम लोगों ने शादी की यानी कब की और उसके साथ ही साथ तू मेरे घर पर नहीं रह सकती। तभी मेरी कहा जाए इधर वो दिखा दे फोन पर जब इधर उसके मम्मी ने यानी वही ने वही के मम्मी ने बोला था कि वो हयातो के साथ रहे क्योंकि वो आज के बाद शादी कर रहे हैं। और इधर हयातो भी देख लेते उस मैसेज को जहाँ पर इधर उसे पता चलता है कि वो भी अभी उसके मॉम के साथ मिला होगा लेकिन उसे कुछ खास याद नहीं था। तभी मेरी कहा जाए इधर हयातो के फोन में भी एक ईमेल आया था जो कि वो देखने लगता है और इधर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने शराब के नशे में ही एक दिन उसका शादी तय कर दिया था वी के साथ और इसी वजह से इधर हयातो को प्रॉब्लम आने वाली है।
और ये बात सुनकर इधर हाथ भी शर्मा चुका था और वो बोलने लगता है, मैं फला ऐसे ही कैसे तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। और टीवी मेरे के साथ वही बताने लगते हैं, मेरी कोई परेशानी नहीं है अगर तुम मेरे साथ शादी करो। लेकिन इधर हमारा जो हयातो था वो बहुत ही शर्मा चुका था और इधर वो बोलने लगता है, ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स है। और जब वो बोलने लगता है कि उन लोगों को तो नहीं पता कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, तब वो कैसे हमारी शादी तय कर सकती है, ऐसा वो बोलने लगता है। जहाँ पर वही बताने लगते हैं, इजुमी क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते या फिर मुझे पत्नी नहीं बना चाहते। टीवी मेरे ख्याल से इधर हमारा जो हयातो तो था वो बोलने लगता है, तुम इतनी बुरी नहीं हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें अपने घर पर एक दिन के लिए यानी आज रात के लिए रुका सकता हूँ, लेकिन कल तुम चले जाना। लेकिन इधर वही तब भी बोल रही होती है, मैं अपने पति के घर से नहीं जाने वाली। और फिर तभी लिखा से रहे इधर हयातो नहाकर आ चुका था और इधर हमारा जो हयातो था वो बोलने लगता है, प्रेसिडेंट आपने क्या सोचा है। जब प्रेसिडेंट सो रही थी और इधर हयातो ये देख कर बोलने लगता है, आप इतनी जल्दी कैसे सो सकती है, वो भी अब मेरे बिस्तर पर, क्योंकि वो मेरा जगह है। और टीवी मेरे से वही भी जाग जाती है और वही बहुत ही प्यारी लगती है, सोकर उठकर इस चीज से तुमने को देखने को मिल जाएगा। और इधर उसके कुछ निकल भी रहे थे, जब वो बोलने लगती है कपल्स लोग तो एक साथ ही रहते हैं है ना। लेकिन इधर हमारा जो हयातो था वो बोलने लगता है, हम लोग कपल कब से बने। और जब वो और टीवी में लिखा जाए इधर आया तो पीछे आ चुका था और इधर उसके बैग से वही वाला बुक निकलता है जो कि तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा, यानी कि हयातो ने जो यानी हयातो का जो दोस्त था उसने जो उसे एक एरर वाली बुक दी थी वही निकल आ चुका था। कैसी किस्मत है ना हयातो का। जहाँ पर इधर वही ये देखने लगती है कि वो क्या बुक था और इधर उसे भी देख कर शर्म आ जाती है। जहाँ पर इधर हयातो बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर मैं नाटक करूँ तब वो जा सकती है इस जगह से मुझे गंदा आदमी समझकर। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोल रहा होता है, तुम्हें तो पता चल ही चुका है प्रेसिडेंट कि मैं कैसा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भी ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी मेरे ख्याल से इधर प्रेसिडेंट ने बात सुनकर शौक लगता है उसे और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोलने लगती है तो ठीक है। और टीवी वो उठ जाती है और टीवी अमेरिका से इधर वो हयातो के पास आकर उसके उंगलियों को चाटने लगती है। जब इधर हयातो बोलने लगते हैं तुम क्या कर रही हो और टीवी अमेरिका से इधर जो वी थी वो बोलने लगती है, मैंने तो ऐसा ही देखा था ऐसे ही क्या जाता है ना। और टीवी अमेरिका से इधर वो बोलने लगती है, अगर तुम मेरा दबाना चाहते हो तो तुम दबा सकते हो, क्योंकि इधर हमारा जो हयातो था वो बोलने लगता है मैं तुम्हारे दायरे वाला दबाऊंगा। और टीवी अमेरिका से इधर वी भी बोलने लगती है, तुम मेरे पति हो इसी वजह से तुम ये कर सकते हो। तभी वो लोग एक जगह बैठ चुके थे जहाँ पर इधर हमारा हयातो भी शर्मा चुका था, जो सोच रहे थे मैं कैसे वो दबा सकता हूँ। लेकिन तभी मेरे ख्याल से इधर जो हुई थी उसे भी शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से वो जल्दी वो करने के लिए बोलती है। लेकिन हयातो बहुत ही और सोच रहा होता है ये क्या कर रही है। लेकिन तभी मेरे ख्याल से इधर जो हुई थी वो हयातो का हाथ लेकर अपने वो दबाने लगती है और ये दिख कर इधर हुई भी शर्मा चुकी थी और उसके जो आत्मा था वो भी निकल आ चुका था शर्म की वजह से। और इधर हयातो भी वो दबाने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये कितना नरम है। और इधर जो हुई थी वो बोलने लगता है इतना दबाना जरूरी है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो भी शर्मा चुकी थी और तभी मेरे ख्याल से हयातो का अंदर का राक्षस जाग चुका था और इधर वो डेविल वाले मोड पर आ चुका था। जहाँ पर इधर वो उसे गिरा देता है और इधर वो उसके दबा कर सूचने लगता है, यानी कि हयातो जितना ही पढ़ सकता है उसके साथ उसके पास ये भी स्केल था। और तभी मेरे ख्याल से तभी हयातो के फोन में कुछ एक मैसेज आता है और ये देख कर ही हयातो वापस आ जाता है, यानी उसे कॉल आया था। और तभी मेरे ख्याल से हयातो भी अपने अच्छे वाले फ्रॉम पर आ चुका था। जहाँ पर इधर वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर क्या हुआ। और तभी मेरे ख्याल से इधर हयातो आ चुका था उस फोन को लेने के लिए जब उसके डैड ने कॉल किया था। और टीवी मेरे ख्याल से वी भी बहुत ही शर्मा चुकी थी। और टीवी मेरे ख्याल से इधर वो लोग कुछ बातें करते हैं और टीवी मेरे ख्याल से हयातो बाहर देखता है, यानी कि वी की ओर देखता है जब इधर वो सो चुकी थी। तो यही बड़ी ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो तुम लोग को वो पता चल ही चुका होगा ये कैसा सीरीज है, लेकिन इसमें बहुत ही मस्त सीन है और उसके साथ ही साथ ये बहुत ही एंटरटेनमेंट है। इसी वजह से मैंने फिर से एक्सप्लेन किया, तुम लोगों को कैसा लगा तुम लोगों को बताना जरूर। उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।